हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज पहुंच गए हैं कुशीनगर का जो सबसे बड़ा ताजिया, जो इतने टाइम सबसे ज़्यादा चर्चे में है, वहां हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये झूला आप लोग देख ही रहे हैं, इतने लोग यहां आए हैं कि क्या बताएं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं देखने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक। और हिंदू मुसलमान दोनों लोग मिलके ये ताजिया बनाए हैं, किसी एक का हाथ नहीं है। हाँ, ये है कि मतलब हिंदू भाई जो थे वो कुछ ज़्यादा और मुस्लिम लोग कुछ कम मिला के ये ताजिया का निर्माण कराए हैं, लेकिन उन्होंने उतना भी मिलाया उनके लिए उतना ही बहुत है। हिंदू मुस्लिम का एकता का भी ज़रूरी है। एक मिसाल बना है इस माहौल में, कुशीनगर में, उसका चर्चा पूरे देश में हो रहा है कि हिंदू भाई ने ताजिया बनवा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ मुसलमान भाई लोग ऐसा करें कि उनके लिए कुछ पंडाल या जो भी लगता है दशहरा मेला, वो भी अच्छा सा बड़ा सा पंडाल बनाए तो काफ़ी बेहतर होगा, अच्छा होगा। एक मिसाल वो लोग दिए हैं, शुरुआत वो लोग किए हैं, तो हम लोग तरफ से भी शुरुआत होना चाहिए। ये देखिए, ये अंदर का दृश्य है, हम लोग गेट से भी अंदर आए हैं। ये अंदर देखिए कितना प्यारा है, इसको बनाया गया है। इतना वज़न होने के बाद भी नीचे जाने के लिए बनाया गया कि कोई रिक्स नहीं है, नहीं तो जब वज़न ज़्यादा होता है तो रिक्स रहता है नीचे क्या होगा क्या नहीं, लोग डरे नहीं जाते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग इन्जॉय करिए, पूरा वीडियो अच्छे से बनाया है। देखिए कितना यूनिक, कितना प्यारा बनाया गया है, इसको देख के दिल खुश हो जाता है इस ताजिए को। और सबसे अच्छा है कि कुशीनगर में बना तो और अच्छा लगता है, कोई पूछता है तो बताता है कि हाँ मेरे यहाँ भी इतना अच्छा ताजिया बना है। और यहाँ काफ़ी रोज़गार लगा, लोग आए हैं अपना मेला में तो कुछ सामान भी खरीदते हैं, तो काफ़ी दुकान भी यहाँ के यहाँ लगी, लोग आए हैं अपना कुछ सामान खरीदने खाए पिए। और ये मेला लगभग 15 दिन रहेगा, ये नहीं मौसम खत्म हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं कुछ दिन तक रहेगा। आप लोग आइए, घूमिए फिरिए, ये नहीं कि मुहर्रम के दिन नहीं आया तो ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं देखते हैं ऐसा नहीं है, कभी भी आके देख सकते हैं। देखिए कितनी बारीकी से इतना अच्छा जो बनाया गया, दुकान भी लगा गया, तमाम दुकान लगा
दूर से देखने में इसकी खूबसूरती ही दिल को मोह लेती है। इतना अच्छा लग रहा है, बारिश भी हुआ फिर भी उतना दिक्कत नहीं हुआ जितना बारिश हुआ है कुशीनगर में। ये था कि अब ताजिया नहीं बचेगा, सब पेपर का कागज़ का बनता है तो सब हो जाएगा, लेकिन अल्लाह करम है यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई और अच्छे से सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। और आज 10वीं मुहर्रम है, मेला लगा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ तो अच्छा लग रहा है। ताजिया सही सलामत है।